एवरेस्ट वॉल लाइनिंग आपकी दीवारों की नमी, ऊष्मा और ध्वनि निरोधकता को और बेहतर बनाता है। ये एप्लीकेशन किसी नए निर्माण में या फिर किसी भी निर्माण के नवीनीकरण में इस्तेमाल होते हैं। आइए देखते हैं इसे कैसे लगाते हैं। सबसे पहले लेआउट करें। उसके बाद फ्लोर ट्रैक को फिक्स करें। वर्टिकल स्टड को फिक्स करें और फिर सीलिंग ट्रैक को स्टड के ऊपर फिक्स करें। स्टड का प्लंब चेक करें। ग्रूव फिनिशिंग वाले डिजाइनर बोर्ड को फाइबर सीमेंट पेंच के साथ लगा दें। पेंच के ऊपर जॉइंटिंग कंपाउंड या सीमेंट पुट्टी लगा दें। पुट्टी के सूखने के बाद पेंट लगाएं। आइए देखते हैं कि टीक पैनल के साथ पैनलिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले लेआउट करें। लेआउट करने के बाद पेरिमीटर चैनल को फिक्स करें। फिर W प्रोफाइल सीलिंग सेक्शन पेरिमीटर चैनल में फिक्स कर लें। ध्यान रहे कि दो सीलिंग सेक्शन 610 mm की दूरी पर फिक्स करें। जहां पर आपको ग्रूव देना है वहां की ऊंचाई मेजर टेप से मेजर करके फ्रेमवर्क के ऊपर निशान लगा दें। जहां पर ग्रूव आएगा वहां पर एक्स्ट्रा सपोर्ट फिक्स कर दें। अब फ्रेमवर्क के ऊपर 6 या 8 mm की फाइबर सीमेंट बोर्ड की पट्टियां काटकर फिक्स कर दें। पट्टियां फिक्स करने से ग्रूव पर फ्रेमवर्क नहीं दिखेगा। ध्यान रहे कि सीधा ग्रूव पाने के लिए बोर्ड की एजेस सीधी और गुनिया में हों, वरना ग्रूव सीधा नहीं दिखेगा। टीक पैनल को 25 mm फाइबर सीमेंट बोर्ड के पेंचों के साथ फिक्स करें। ध्यान रहे कि दो पेंचों की दूरी 300 mm होनी चाहिए। ग्रूव की चौड़ाई बराबर रखने के लिए दो बोर्ड के बीच में पैकिंग लगा लें। पैकिंग ग्रूव की चौड़ाई के हिसाब से होगी। अब देखते हैं कि टीक पैनल को पॉलिश कैसे करते हैं। सबसे पहले पेंचों को छिपाने के लिए पुट्टी तैयार की जाती है। जिस रंग की फिनिशिंग चाहिए उसी रंग की पुट्टी तैयार करके पेंचों के ऊपर लगाई जाती है।
पुट्टी के सूखने के बाद उसको रेग मार से घिसा जाता है सतह को बराबर करने के लिए। फिर बोर्ड की सतह को स्पिरिट और लाग दाना मिक्स से कोट किया जाता है। ध्यान रहे कि कोट का रंग फाइनल फिनिशिंग जैसा हो। पॉलिश का बेस लाख स्पिरिट और अपनी पसंद के रंग में मिक्स करके बनाएं। इसके दो कोट किए जाते हैं। पहले कोट के सूखने के बाद दूसरा कोट करना चाहिए। दूसरे कोट के सूखने के बाद पूरे सरफेस पर फाइनल फिनिश एप्लीकेशन के हिसाब से की जाती है। इंटरनल एप्लीकेशन के लिए मेलामाइन और एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए पीयू कोट किया जाता है। आखिर में ग्रूव में पेंट ब्रश का यूज करते हुए रंग भरें। आइए देखते हैं कि एवरेस्ट सीमेंट प्लैंक्स के साथ वॉल पैनलिंग कैसे की जाती है। लेआउट या फ्रेमवर्क फिक्स करने का तरीका डिजाइनर या टीक पैनल जैसा ही रहेगा। उसके बाद एवरेस्ट सीमेंट प्लैंक्स को फिक्स कर दें। सीमेंट प्लैंक्स को 25 mm फाइबर सीमेंट पेंचों के साथ फिक्स कर दें। सीमेंट प्लैंक्स को 25 mm ओवरलैप करते हुए लगाएं। ओवरलैप करते हुए पेंच छिप जाएंगे और उस पर पुट्टी लगाने की जरूरत नहीं होगी। सबसे पहले सीमेंट प्लैंक की सतह को रेग मार से रगड़कर साफ कर लें। फिर लाख दाना में स्पिरिट मिलाकर 2-3 घंटों तक धूप में छोड़ दें। फिर लाल रंग का पानी लेकर प्लैंक्स के ऊपर एक कोट करिए और उसे सूखने दीजिए। जो बचा हुआ पानी है उसमें और थिनर मिलाकर जैसा रंग आपको चाहिए उस हिसाब से रंग मिलाएं, जैसे ब्राउन, रेड, काला इत्यादि। इसका एक कोट प्लैंक की सतह पर लगा दें। इसके सूखने के बाद दूसरा कोट लगाएं। सूखने के बाद सीलर में थिनर मिलाकर एक कोट पूरे सरफेस पे लगाएं और इसको सूखने दें। सूखने के बाद पूरी सतह को रेग मार से घिस लें। फिर एप्लीकेशन के हिसाब से फाइनल कोट कीजिए। अगर इंटरनल एप्लीकेशन है तो मेलामाइन का एक कोट करें। अगर एक्सटर्नल एप्लीकेशन है तो पीयू का एक कोट करें।